हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास एट्थ साइंस चैप्टर 12 फ्रिक्शन। ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, और इसके पहले के वीडियोस में हमने जो था फ्रिक्शन के बारे में काफ़ी कुछ देखा, टाइप ऑफ फ्रिक्शंस देखे कि कौन कौन से तरह के फ्रिक्शंस होते हैं और किस तरह से, तीन तरह के मेनली देखे थे, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। और फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रिक्शन फोर्स को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक, जो कि है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब होता है, फ्लूइड मतलब होता है एयर एंड वाटर, है ना, एयर और लिक्विड, है ना। मतलब जो गैस और लिक्विड होती हैं वो फ्लूइड कहलाती हैं, और दे ऑल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन, हम अच्छे से जानते हैं एयर बहुत लाइट और थिन होती है। येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। उसके बाद भी ये क्या करती है, फ्रिक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाती है जो ऑब्जेक्ट इसमें मूव करता है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। इसी तरह लिक्विड्स में वाटर है, दूसरे जो लिक्विड्स हैं वो भी फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं यदि ऑब्जेक्ट इनमें मूव करता है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इस फ्लूइड। साइंस में जो गैसेस और लिक्विड का कॉमन नेम है वो क्या कहलाता है, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड्स कहलाते हैं ये। सो वी से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फ्लूइड्स जो है वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पे जो इनमें मोशन करते हैं, जो इनमें मूव होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन हवा में चलता है तो एरोप्लेन पे एयर जो है वो फ्रिक्शन लगाएगी। फिर उसके बाद जो पानी में चलने वाले अलग अलग तरह के बोट्स होती हैं, है ना, तो उन पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाता है। आप यदि स्विमिंग करते हैं तो आप पे भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड पे लगता है उसे ड्रैग भी कहते हैं, याद रखिएगा ये टर्म। द फ्लूइड, द फ्रिक्शन विच इज एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड इट्स नोन एज द ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड पे, कि ऑब्जेक्ट की स्पीड किस तरह से, उस तरह से उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लगता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड्स। अब फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर पे भी, है ना। ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, नेचर कैसा है, उस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, उस हिसाब से भी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट पे लगता है। इट इज़ ऑब्वियस डैट वैन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। अब देखिए, ऑब्वियस बात है, जो ऑब्जेक्ट उसमें मूव कर रहे हैं वो उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, तभी तो वो उसमें मूव कर पाएंगे। यदि फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम नहीं होगा, है ना, तो उस पर मूव नहीं कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, और इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, है ना, और एफर्ट्स जो हैं वो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने में चले जाते हैं। सो ऑब्जेक्ट आर गिवन स्पेशियल शेप, इसीलिए इस तरह के ऑब्जेक्ट को कुछ स्पेशियल शेप दिया जाता है। When do you think scientists get hints for these special shapes? आप सोच रहे होंगे ये साइंटिस्ट को हिंट कहाँ से मिली इस स्पेशल शेप की, फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स, नेचर में देख के। बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। आपने देखा होगा जितने भी बर्ड्स और फिश हैं, बर्ड्स जो हैं पूरे टाइम एयर में रहती है और फिश जो रहती है पूरे टाइम वाटर में रहती है, तो उनकी बॉडी का जो शेप है उस बॉडी के शेप को देख के उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को फॉर्म करना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एरोप्लेन का शेप जो होता है वो बर्ड्स के शेप को बिलोंग करता है, बोट्स वगैरह के शेप जो होते हैं वो फिश के शेप को बिलोंग करते हैं, जो आगे पीछे से क्या होते हैं, नैरो होते हैं, इस तरह से होता है ना शिप जो होता है, तो इस तरह से ऐसा है ना, तो यहाँ से पॉइंटेड होता है और बीच में ब्रॉड होता है, क्योंकि फिश भी इस तरह का शेप लिए हुए होती है। ठीक है, तो ये जो है ये शेप जो होता है ये इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हेल्प करता है, एनर्जी का वेस्टेज कम करता है। बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम, देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक दैम लूज लेस एनर्जी ओवरकमिंग फ्रिक्शन। उनका जो बॉडी शेप है वो हेल्प करता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, एनर्जी को कम लूज किए बिना। यू रीड अबाउट द शेप इन क्लास 6, लुक केयरफुली द शेप ऑफ एरोप्लेन। देखिए एरोप्लेन का शेप और बर्ड का शेप सिमिलरिटी शो कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना। अब यहाँ पे दोनों के शेप में सिमिलरिटी है, इसीलिए क्या होता है, एरोप्लेन क्रम फ्रिक्शन के
के साथ जो है आसानी से मूव कर पाता है। ऑल व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू हैव शेप्स विथ रिड्यूस फ्लूड फ्रिक्शन। इसी तरह जो व्हीकल्स रहते हैं उनका डिज़ाइनिंग भी ऐसा किया जाता है कि वो फ्रिक्शन के शेप को आसानी से ओवरकम कर पाए। यहाँ ही आज हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। आप एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।